Comrade Hemlata ji, Comrade Tapan Sen ji, manch par upasthit trade union sangathan ke netagan aur hamare desh ke kone kone se aaye hue pratinidhi varg, UTUC ke aur se aap sabko hardik badhai, red salute comrade lal salam. ऐसा मौका तो एक जीवन में कभी कभी मिलता, सीआईटीयू के 50 साल 1970 से 2020, 50 साल ट्रेड यूनियन आंदोलन, ट्रेड यूनियन के लड़ाई सीआईटीयू लड़ रहे हैं और यूटीयूसी, हमारे संगठन यूटीयूसी लास्ट 50 इयर्स 50 साल CITU के साथ हैंड इन हैंड, शोल्डर टू शोल्डर, कंधा से कंधा मिला के एक साथ चल रहा एक लड़ाई पे शामिल है. तो आज ऐसा लगता जिसको इन ए वर्ड अंग्रेजी में प्राउड प्रिविलेज, मैं गर्वित हूं ये CITU के 50 साल बीतने के बाद मुझे ये सम्मेलन को अभिनंदन ज्ञापन के लिए मैं आया हूं. कमरेड्स, आज ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, देश के कोने कोने से आए हुए प्रतिनिधिगण सब कोई जानते हैं, देश बहुत खतरा में गिर गया, देश की आर्थिक परिस्थिति गहराई में चला गया, इसको बचाने वाला कोई नहीं है. आज 23 जनवरी हमारे देश के आजादी के नेता सुभाष चंद्र जी, नेताजी के जन्मदिन, और वो आवाज अभी आ रहा नेताजी जो बाबा आवाज देश के अंदर पैदा किए थे, ये आवाज दिए थे, आवाज आज भी आ रहा, मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा. मजदूर वर्ग के जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, आजादी की लड़ाई, भूखमरी से आजादी, भूखमरी से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, भ्रष्टाचार से आजादी, दुर्नीति से आजादी, एक आजादी की लड़ाई मजदूर वर्ग को लड़ना पड़ेगा. ये कदम कदम ये लड़ाई पे मजदूर वर्ग एक साथ आगे बढ़ रहा है. आज परिस्थिति ऐसा शिक्षा दिया हम लोग को, सब ट्रेड यूनियन एक साथ होके ये लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए शपथ किया, कोशिश किया. हमारे देश में बेरोजगारी गया 45 साल के अंदर, सिंस लास्ट 45 इयर्स अनएम्प्लॉयमेंट हैज टच्ड स्काई रॉकेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, price rise closer, economic crisis in all aspect of life, all aspect of life. और बुरा मत मानिए लेकिन ऐसा परिस्थिति 50 साल के अंदर हमारे देश में कभी पैदा नहीं हुआ, इतना गंभीर परिस्थिति, इतना खतरनाक परिस्थिति. और ये परिस्थिति को लड़ना पड़ेगा ट्रेड यूनियन को, ट्रेड यूनियन लड़ रहा है, भारत में नहीं, हमारे देश में नहीं, बल्कि दुनिया जोड़ के सारी दुनिया में लड़ रहा है, तो ट्रेड यूनियन ही लड़ रहा है. यूरोप के देश देश, लैटिन अमेरिका के देश देश, एशिया अफ्रीका लैटिन अमेरिका के हर कोने कोने साम्राज्यशाही के खिलाफ में कौन लड़ रहा, ट्रेड यूनियन लड़ रहा. ट्रेड यूनियन मजदूर वर्ग के साथ लेकर सोशल सिक्योरिटी के लिए लड़ रहा, एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहा, अर्जित अधिकार. आज जो शासक दल, हमारे देश के शासक वर्ग जो हमारे अर्जित अधिकार छीनने के लिए कोशिश कर रहा, सारा दुनिया में एक फैसिस्टिक गवर्नमेंट पैदा हो गया, सत्ता पे आया,
और वो गवर्नमेंट कोई के जात के नाम पर, कोई जात पात धर्म के नाम पर मजदूर वर्ग के इकाई इकाई को तोड़ने के कोशिश किया हिंदुत्व के नाम पर। मुझे बात तो सीधा बात कहना है, मंदिर जरूर रहेगा, मस्जिद भी रहने दो, कहाँ गिरजा रहा है गिरजा रहने दो, गुरुद्वार भी रहेगा हमारे देश में, लेकिन मेरे रोटी की लड़ाई, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई। आज से बहुत दिन पहले नेताजी जो आवाज बुलंद किए थे आजादी की आवाज, आजादी का मतलब क्या, आजादी का मतलब रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान के मतलब काम काम, हर हाथ में काम, हर हाथ में काम, जिसको काम मिलेगा उसको खाना मिलेगा, रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई। और ये लड़ाई ट्रेड यूनियन के एक साथ लड़ना पड़ेगा। आज हमारे देश के अंदर ट्रेड यूनियन आंदोलन एक संगठित रूप से एक नया दिशा दिखाया, नया दिशा में ट्रेड यूनियन आंदोलन चल रहा, इकाई 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 चली, इकाई को रक्षा करना होगा। आज एक नया ट्रेड यूनियन आंदोलन हमारे देश के अंदर ऐसा एक परिस्थिति पैदा किया है जो 8 तारीख जनवरी महीने के 8 तारीख सारा देश में जो स्ट्राइक, वो स्ट्राइक को कहते हैं दुनिया के, आज के दुनिया, आज दुनिया के सबसे बड़ा स्ट्राइक, जहां पे 25 करोड़ मजदूर वर्ग भाग लिया था, इतना बड़ा स्ट्राइक दुनिया में 40 साल के अंदर हुआ नहीं, इतना बड़ा स्ट्राइक, 25 करोड़ आम जनता, 25 करोड़ मजदूर भाग लिया था। और शासक दल सत्ता पे है जो लोग, उसको डर भी आ गया, उसको डर भी जरूर आ गया। तो इसीलिए मुझे संक्षिप्त रूप से ये आरजी आप सबको सामने, मैं आरजी रखूंगा दुनिया के, हमारे देश के मजदूर वर्ग अपेक्षा कर रहा है। हम यूटीयूसी की ओर से कहूंगा, आज परिस्थिति में लड़ाई कौन ढंग से चलेगा, कौन तरीका से चलेगा, इसको एक ब्लूप्रिंट, मैं विश्वास करता आपको सम्मेलन से निकल जाएगा, आपको सम्मेलन से निकाल आएगा। यू मस्ट एडॉप्ट अ रेजोल्यूशन, यू मस्ट शो द वे इन व्हिच वे द ट्रेड यूनियन मूवमेंट, लेबर मूवमेंट ऑफ आवर कंट्री दैट शुड गो अहेड, यू हैव टू फाइंड आउट दैट वे। और ये आज क्लियर, द डायरेक्शन इज वेरी क्लियर, आवर स्ट्रगल शुड फोर्स द गवर्नमेंट टू चेंज देयर पॉलिसी। हमारे लड़ाई सरकार को जो नीति, और नीति को बदल करना पड़ेगा, सरकार को नीति बदलने के लिए लड़ाई, सरकार नीति बदल करो, आम जनता को भूख मरी तुमको नजर में लाओ, आम जनता को बेरोजगारी तुम नजर में लाओ, सरकार तुम देखो मजदूर भूखे मर रहा है, मजदूर को छटाई क्लोजर लॉकआउट चल रहा है, सरकार तुम रास्ते पे उतारो, सरकार कान खोल के सुन लो, आम जनता रास्ते पे उतर गया, माँ बहन लोग रास्ते पे उतर गया, और जो जो देश में भूख के लिए माँ बहन लोग रास्ते पे उतर जाता वो देश के सत्यानाश हो गया, सरकार तुम अभी गद्दी छोड़ो, सरकार नीति बदल करो, नहीं तो जनता रास्ता पे सड़क पे उतर गया, जनता तुम्हें बदल देगा। आज ये आवाज सारा देश में बुलंद हो रहा, सरकार नीति बदल करो नहीं तो जनता तुम्हें बदल देंगे। आज ट्रेड यूनियन की महासम्मेलन में यूटीयूसी के ओर से आप सबको हार्दिक बधाई, आपको ये सम्मेलन से मैं ये प्रत्याशा, हम सबको ये प्रत्याशा, वी आर एक्सपेक्टिंग यू शुड कम आउट विथ अ डेफिनेट प्रोग्राम सो दैट trade union movement of our country shall be enriched. Long live workers in unity. Mazdoor Ekai Zindabad.